उसके दो एग्जाम्पल है। जी एक एग्जाम्पल ये है कि जब नवाज शरीफ को डिपोर्ट किया गया था तो सऊदी ने उसको बड़े दोनों हाथों से वेलकम किया था 10 साल के लिए, ठीक है। और जब बेनजीर भुट्टो के साथ ये गेम हुआ तो दुबई ने उसे वेलकम किया, जी ठीक है ना। अच्छा, इस बात से ये तो तय हो गया कि इंटरनेशनल प्रेशर नहीं है ना पाकिस्तान एस्टेब्लिशमेंट पे ना हुकूमत में कि इमरान खान को बाहर निकालो, ये बात तो तय है, ये क्लियर हो जाती है आपकी, ठीक है। अगर यानी कि आपकी आप कह रहे हैं कि डिफेंस, इंटरनेशनल प्रेशर नहीं है कि इमरान खान को बाहर निकाला जाए, तो ये बात क्लियर हो गई कि इमरान खान को एग्जाम्पल बाहर नहीं निकाला जाएगा अभी फिलहाल। मैंने आपको एग्जाम्पल दे दिया ना, दो एग्जाम्पल्स दे दिए आपको। हाँ सऊदी ने नवाज शरीफ को वेलकम किया, दुबई ने बेनजीर को वेलकम किया, ठीक है। दुबई ने बेनजीर को किया, सऊदी ने नवाज शरीफ को किया। बिल्कुल, ये बात तो, ये तो ऑन पेपर है ना सब कुछ, ठीक है ना। अगर इमरान खान अपनी 3.5 साल की जो उसने अपनी प्राइम मिनिस्ट्री की है, अगर उसका रिलेशन इतना अच्छा स्ट्रॉन्ग होता ना कोई मुल्क तो जरूर खड़े होके बोलता इस बंदे को बाहर निकालो। यानी कि आप कह रहे हैं कि इमरान खान का कोई बाहर के ममालिक जो है ना, इमरान खान को वेलकम करने के लिए तैयार नहीं है। दुबई ने, सऊदी अरब ने नवाज शरीफ को वेलकम किया तो नवाज शरीफ को बाहर निकाला, दुबई ने बेनजीर को वेलकम किया उनको बाहर निकाला, तो अब इमरान खान के लिए कौन सी कंट्री होगी जो बाहर निकालेगी? मैं यही तो आपसे कह रहा हूं कि हाँ, देखिए तो मैं भी अगर आपसे आपकी सवाल कर रही हूँ रिलेशन, कौन सी कंट्री होगी, आप बताएं क्या कोई कंट्री नहीं होगी, ये मेरा सवाल है आपसे। आप तो कह रहे हैं जी। मेरे तो अभी बातचीत शुरू हुई है ना, ठीक हाँ है ना। जो सब देखिए, जब आदमी तालाब में जिंदगी गुजारता है ना तो मगरमच्छ से बैर नहीं लेता, मगरमच्छ के साथ पंगा नहीं लेता, क्योंकि वो तालाब का बादशाह होता है, ठीक है। आते ही आपने सबसे पहले अमेरिका से पंगा ले लिया, ठीक है। अब जितने मुल्क है वो उसके मातहत है, नीचे है, ठीक है। अगर कोई मुल्क ये कहता भी है कभी इमरान खान को छोड़ो, तो सबसे पहले वो अमेरिका की शक्ल देखेगा एक दफा कि यार मैं बोलूं के ना बोलूं, इसकी फेवर लूं के ना लूं, ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है। आईएमएफ के पास आप जाते हैं, आईएमएफ सबसे पहले ही देखता है अमेरिका को कि इनको पैसे देने या नहीं देने, क्योंकि पैसे की बरामद तो फिर अमेरिका ने करनी है ना, युगांडा तो आपसे पैसे बरामद कर नहीं सकता। तो इंटरनेशनली अमेरिका की एक स्टेटस, एक वैल्यू है, आप उसे बड़ा भाई बोले, बाप बोले, अंकल बोले, कुछ बोले, वो इस वक्त ऑपरेट कर रहा है। आपको चाहिए, देखिए इसकी एक और एग्जांपल ये है, आपने खड़े होकर यूनाइटेड नेशन में इनको व्हाइट एलिफेंट बोल दिया, किसी ने कहा था ना ये बात, किसी ने जी कहा था ये हिस्ट्री में, देखिए उसके साथ क्या हुआ। नवाज शरीफ को एक बात कही थी अमेरिका ने कि अगर तुमने एटमी धमाका किया तो हम तुम्हें पत्थरों के दौर में पहुंचा देंगे, पत्थरों के दौर में, लेकिन नवाज शरीफ ने किया। जी ये बहुत बड़ा रिस्क लिया नवाज शरीफ, क्योंकि अवाम का प्रेशर था, अवाम का उस वक्त नवाज शरीफ की पर्सनैलिटी यानी कि कितनी आप ये कह बड़ी रहे हैं थी, कि नवाज शरीफ ने भी एक बात की, एक अमेरिका से पंगा लिया। उसको धमकी दे दी थी कि अगर तुमने धमाका किया तो मैं पत्थरे पत्थर के दौर पे पहुंचा देंगे, ये कहा था उसे, लेकिन अच्छा। उसने किया। उसने उस वक्त मर्दानगी दिखाई पाकिस्तान की आवाम के लिए, एक मुस्लिम कंट्री को न्यूक्लियर पावर बनाने के लिए उसने क्यों की। अब वो उसने एटम बम बनाया नहीं बनाया ये अलग कहानी है, लेकिन डिसीजन उसका था। अगर वो चाहता तो वो कहता भाई मैं नहीं कर रहा, वो उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता था, प्राइम मिनिस्टर कह रहा मैं नहीं कर रहा, लेकिन उस वक्त उसने डिसीजन लिया, स्टेप लिया, ठीक है। और इसकी एक वजह आप ये देखें कि आज भी वो लंदन जाता है उसको डिपोर्ट नहीं करते, उसके ऊपर इंटरनेशनल केसेस हुए उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा, लंदन वालों ने उसको डिपोर्ट नहीं किया, जबकि इमरान खान ने 300 केस कर दिए थे यूनाइटेड किंगडम में उसके खिलाफ, 300 केस, लेकिन उस पर कोई असर नहीं पड़ा। ये होते रिलेशन बिल्ड करना एक इंटरनेशनल, जब तक आपका अब आप पाकिस्तान की आवाम पे आ जाए, पाकिस्तान की आवाम बेबस है, बहुत बेबस है। कोई भी आवाम अगर कोई भी यूनिटी या कोई हुकूमत कोशिश भी करती है ना इमरान खान को हेल्प करने के लिए, कोई कोई कराची हो गया, लाहौर हो गया, तो सबसे पहले तो आपको पता है आर्मी को फेस करना पड़ता है, फिर रेंजर्स को फेस करना पड़ता है, फिर जेलों को फेस करना पड़ता है, फिर FIA को फेस करना पड़ता है, फिर अपने बिजनेस को बचाओ, अपनी माँ बहनों की इज्जत को बचाओ, फिर जाके आप बाहर निकलो, ठीक है ना। ये बहुत बड़ी फाइट है, ये पॉलिटिक्स गेम जो ये है इतना डर्टी गेम, जब आप इसमें आए गए हैं तो आपको थोड़ा सा डर्टी गेम खेलना पड़ता है। जब तक आप ये डर्टी गेम नहीं खेलेंगे आप ना तो उमर बिन खत्ताब बन सकते ना जी। आप अब्दुल